My dear students, Assalamu alaikum. Welcome to English Academy Top 1. So before we start, first of all, watch this video till the end so you will able to understand all the lecture in very easy manner. The topic I am going to discuss today is what is difference between poem and poetry. So first of all, we will read about what is poem. A poem is a piece of writing in which are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines, which rhymes, synonyms, verse, song, lyric, rhyme. Poem क्या है? Poem जो है ये एक spoken words का मजमुआ होता है, मतलब कि एक collection of spoken words जिसमें पोइट अपने जज्बात, एहसासात और आइडियाज़ को बयान करता है और उसे वर्ड्स की शेप देता है, इसे हम पोइम कहते हैं। एक पोइट के जो माइंड में आइडिया होता है या जो इमोशंस होती हैं वो उसे डिक्शन की शेप दे देता है या वर्ड्स की शेप दे देता है, तो इस वर्ड्स के अरेंजमेंट को पोइम कहा जाता है। और ये यानी कि रिटन फॉर्म में होती है, जो पोइम होती है वो रिटन फॉर्म में होती है, वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है। Poem can be structured with rhyming lines and meter is the rhythmic and emphasis of line based on syllabic beats. जो पोइम होती है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, इसमें जो है राइमिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं और इसमें सिलेबिक बीट्स भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम है हमारे पास है कि व्हाट इज़ पोइट्री, पोइट्री क्या है। पोइट्री की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट पोइट्स ने डिफरेंट दी है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के मुताबिक क्या है कि पोइट्री क्या है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। जबकि एमिली डिकिंसन कहते हैं कि इफ़ आई रीड अ बुक एंड इट मेक्स माई बॉडी सो कोल्ड नो फायर एवर कैन वार्म मी, आई नो दैट इज़ पोइट्री। डेलन थॉमस कहते हैं कि पोइट्री दिस वे, पोइट्री इज़ व्हाट मेक्स मी लाव और क्राई और रॉन, व्हाट मेक्स माई टू नेल्स ट्विंकल। अब पोइट्री के जो डेफिनेशन है, पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कन्वेज अ थॉट, डिस्क्राइब्स अ सीन और टेल्स अ स्टोरी इन अ कंसनट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। पोइट्री है क्या? पोइट्री जो है किसी पोइट की फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती हैं। मतलब कि कुछ पोइट्स होते हैं वो सब्जेक्टिविटी पे लिखते हैं, मतलब अपने आप पर लिखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव पोइट्री करते हैं, मतलब कि सोसाइटी पर लिखते हैं। कुछ जो है वो तारीख पर लिखते हैं, मतलब कि उनकी पोइट्री जो होती है रेवोल्यूशनरी पोइट्री होती है। और जो है अपने आप पर जो लिखते हैं पोइट वो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। कुछ लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ जो है वो अपने जज्बात की यानी कि उनको इजहार पोइट्री के ज़रिए करते हैं। पोइट्री हमारी जो है ना लाइफ में जो है ना फीलिंग्स, बिहेवियर्स और इमोशंस को रिवाइवल करती है। पोइट्री की बहुत सी वैसे इकसाम होती हैं, मतलब कि इनको बहुत से तरीक़ों से भी लिखा जाता है। पोइट्री के पोइट्री की जो पोइट्री होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, मतलब कि जो इसकी इंटरप्रेशन होती है वो इजी होती है। पोइट्री के जो वर्ड्स होते हैं वो इजी होते हैं, जबकि पोइम एक वर्ड्स का अरेंजमेंट होती है। तो पोइट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगरेटिव लैंग्वेज आर वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग और एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन अ नॉन लिटरल और नॉन ट्रेडिशनल वे। मतलब कि जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं ये हम यूँ कह सकते हैं कि किसी रेसिपी में जो है वो मिर्च मसाला है, या जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो जो पोइट अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। एक कलर्स होते हैं जो पोइट अपनी राइटिंग को देते हैं, खूबसूरती होती है पोइट की राइटिंग में। डिस्क्रिप्टिव इमेजरी होती है, इमेजरी इज़ समथिंग कंसीडर्ड लाइक अ साइट, स्मेल और टेस्ट। मतलब इमेजरी क्या होती है, जो हमारी 5 सेंसेस को अपील करती है। इसमें जो है विजुअल डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब कि इमेजरी इज़ अ विजुअल इमेज या कलेक्शन ऑफ विजुअल इमेजेस इन द पोइट माइंड। जो पोइट की माइंड में जो विजुअल इमेजेस होती हैं वो पोइट जो है उनको राइटिंग की शेप दे देता है, उसको ये इमेजरी होती है उसकी। पंक्चुएशन होती हैं, फॉर्मेट होती हैं, पंक्चुएशन यूज़ होती हैं, कुछ फॉर्मेट्स यूज़ होती हैं पोइट्री में। और साउंड और टून भी, मतलब कि जब इसको पढ़ा जाता है तो किसी साउंड की या किसी टून में भी पढ़ा जा सकता है पोइट्री को। ये था हमारा आज का टॉपिक। और मेरी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।